और दूसरी अलामत जो है नेकी के कबूल होने की है, अलामत निशानी जो है वो ये कि नेकी करने के बाद और नेकी करें, नेकी करने के बाद और नेकी करें। आप देखें नेकी का, आप अगर अपने इखलास को भी जांचना चाहेंगे ना कि मेरे अंदर वाकई इखलास है कि नहीं है, या मैं अल्लाह के रसूल की, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की इत्तिबा कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, तो आप देखें आपको दुनिया में अंदाजा हो जाएगा। कैसे अंदाजा होगा? आप नेकी करके उठें, उसके बाद और नेकी करने का जज्बा आपके अंदर पैदा हो जाए, तो समझ जाइए कि आपकी नेकियां कबूल हो गई, आपकी नेकियां क्या हो गई है, कबूल हो गई है। बल्कि कुरान मजीद की आयत है वह जजाउ सैयअतिन सैयअतुम मिस्लुहा, कि गुनाह का बदला उसी के मिसल गुनाह है। तो उलमाए तफसीर ने यह भी लिखा कि जैसा कोई बुराई करता है तो उसको बदले में उसी तरह उसका बदला लिया जाएगा, ज्यादा नहीं लिया जाएगा, कम भी नहीं लिया जाएगा। तो इसका एक मतलब यह भी है कि अगर कोई इंसान गुनाह करता है तो उसी के मिस्र उसको सजा में एक और गुनाह करना पड़ता है, यानी गुनाह के बाद गुनाह ही करेगा, उसको नेकी की तौफीक नहीं मिलती। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे नेकी करने के बाद उसका बदला यह है कि उसके बाद एक और नेकी करे, नेकी के बदले में से या जजा में से यह है कि उसके बाद नेकी हो। इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह कहते हैं इन्न मिन जज़ाइल हसनति अल हसनतु बादहा, नेकी का बदला यह है कि उसके बाद भी एक नेकी हो। और मैं रमजान की मिसाल दूं, रमजान की मिसाल यह है कि आप पूरे रमजान रोजे रखें, अगर रमजान के बाद आपको फौरन शवाल के रोजे रखने की भी तौफीक मिल गई, बहुत सारे लोग अल्हम्दुलिल्लाह आज रोजा रखे होंगे, शवाल के रोजे की भी तौफीक अल्हम्दुलिल्लाह मिल गई, तो आप समझ जाइए कि आपके रमजान की इबादतें कबूल हो रही है, क्योंकि आपको एक और जो है नेकी के बाद नेकी करने का जज्बा पैदा हुआ और आपने नेकी कर भी दी। रमजान के बाद फौरन आपको नेकी करने का और यानी ताज में आप आगे बढ़ जाएंगे और नेकी आपकी बढ़ जाएगी, तो समझ जाइए कि आपकी नेकियां कबूल हो रही है, ये निशानी है। और उन्होंने ये कहा वमिन उकूबति सैयअति अस्सैयअतु बादहा, और गुनाह की सजा में से एक सजा यह भी है कि उसके बाद एक और गुनाह होता है। और सलफ कहते भी थे, हमारे असलाफ तो कहते थे कि जिस दिन कोई नेकी छूट जाती दिन भर अल्लाह तौफीक नहीं देता नेकी करने की, तो फज्र की नमाज आप जो बड़ी नेकी है फर्ज नेकी है वो आप कर लेंगे तो दिन भर आपको इंशाल्लाह नेकियों की तौफीक मिलेगी। और नेकियों की तौफीक मिलती है नेकी के बाद, तो एक दूसरी अलामत यह हुई कि अगर आपकी नेकियां कबूल हो रही तो आपको फौरन आपको एक और नेकी करने की तौफीक मिलेगी। आप फर्ज नमाज पढ़ के उठें और आपको अगर नफल पढ़ने की तौफीक मिल गई तो आप सोचिए कि फर्ज जो है हमारा कबूल हो रहा है। और ऐसे ही हर नेकी का मामला है, जो भी नेकी आप फर्ज नेकी कर रहे हैं उसके बाद नवाफिल भी करते हैं, जैसे फर्ज रमजान के रोजे रखे और नवाफिल रोजे रखने का भी आपको तौफीक मिल गई, तो आप समझ जाइए कि ये फर्ज नेकी जो थी रोजे थे वो कबूल हो गए। तो बिल्कुल ऐसे ही है कि नेकी में ज्यादा बढ़ जाए। और इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह कहते हैं कि जब अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी बंदे को कबूल कर लेता है नेकियों के एतबार से, तो कहते हैं फइन्नहु युवफ्फिकुहु इलत्ताअ, उसे ताअत के कामों की तौफीक देता है और नेकियों की तौफीक देता है और उसको मासियत से बचाता है। अगर आप गुनाह से बचने लग जाएं तो आप समझें कि पहले की नेकियां कबूल हो रही। और कुरान के अंदर असहाब कहफ के जो गार वालों का किस्सा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिक्र किया, उसमें क्या कहा इन्नहुम फितयतुन आमनु बिरब्बिहिम, ये चंद नौजवान थे जो अपने रब पर ईमान ले आए थे। वज़िदनाहुम हुदा, नौजवान थे ईमान लाए, ईमान कबूल हो गया था, वज़िदनाहुम हुदा, फिर हमने उन्हें और हिदायत दी, मतलब और नेकियों की तौफीक मिली। ये ईमान जब कबूल हुआ तो नेकियों की तौफीक मिली, ईमान कबूल होता है तब नेकियों की तौफीक मिलती है, ईमान सही नहीं होता नेकियों की तौफीक नहीं मिलेगी। तो बहुत सारे लोगों को इस बात पर भी अपने आप को जायजा लेना चाहिए कि मैं नेकी क्यों नहीं कर पाता हूं। इसका मतलब यह भी हो सकता है कि हम जो ईमान अल्लाह पर लाए हैं, रसूलुल्लाह पर लाए हैं, वो शायद अभी कबूल नहीं हुआ है। इल्लल्लज़ीना आमनु वअमिलुस्सालिहात, दूसरा स्टेप है ईमान कबूल तो आमाल सालिह की तौफीक मिलेगी। तो नेकियों में आप अगर बढ़ रहे हैं तो आप समझिए कि आपकी पुरानी जो नेकियां है वो कबूल हो रही है। और इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह तो ये भी कहते हैं कि यबना आदम, ए इंसान, ए आदम के बेटे, इल्लम तकुन फी ज़ियादतिन, जिस दिन भी तेरी नेकी में इजाफा नहीं हुआ, फअंत फी नुकसान, तू खसारे में है। बल्कि सलफ कहा करते थे जिसका दो दिन बराबर हो गया नेकियों के एतबार से या कम हो गया, नुकसान में है, खसारे में है, बराबर ना होने दे कभी भी।
आज अगर 10 नेकियां की तो अगले दिन 11 होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए, बढ़ोतरी तरक्की होना चाहिए। अगर ये तरक्की हो रही है हमारी नेकियों में तो हम समझ जाए कि हमारी माजी की नेकियां कबूल हो रही, और अगर हम पीछे आ रहे हैं यानी नेकियां कम होती जा रही है, पहले हम फर्ज पढ़ा करते थे, नवाफिल पढ़ते थे, अब सिर्फ फर्ज ही पढ़ रहे हैं, और कभी कभी नमाज की पाबंदी फर्ज की बराबर होती थी, अब नमाजें छूटने लगी हैं, तो फिर गड़बड़ हो गया मामला, नमाजें कबूल नहीं हो रही है, गुनाह की तरफ हम जा रहे हैं तो ये चीज़ें कबूल नहीं हो रही है। तो कहा गया कि नेकियों का बदला ही यही है कि बाद में और नेकियों की तौफीक मिले, और आप करके देखें, सच्चाई के बाद सच्चाई की तौफीक मिलती है, झूठ के बाद एक झूठ छुपाने के लिए कई कई झूठ बोलने पड़ते, तो क्या हुआ, झूठ बोले तो उसका बदला क्या मिला, झूठ मिला। तो ये क्या है, जब नेकी में ज्यादा होने लगे हम तो समझ जाइए कि हमारी नेकियां, तो ये दो अलामत हो गई। उसके बाद तीसरी अलामत क्या है जिससे मालूम होगा कि हमारी नेकियां वाकई में कबूल हो रही हैं, तो वो है ये है कि जो नेकियां हम कर रहे हैं उस पर हम डटे रहें, ये भी एक अलामत है। जो नेकियां हम कर रहे हैं शुरू से वो नेकियों पर हम डटे रहे, उसको छोड़े नहीं, उसको कभी अगर हम उसको कंटिन्यू करते जा रहे हैं ना, तो समझ जाइए कि हमारी नेकियां सही है, दुरुस्त है, अल्लाह तौफीक दे रहा है एक्सीव करने, यानी बढ़ोतरी तो नहीं हुई लेकिन कम से कम उसको छोड़ा तो नहीं हमने, तो जिस पर हम डट गए हैं और, तो समझ जाइए कि वो नेकियां कबूल हो रही है।